अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉन्स की कड़ी बनाने लगे हैं, तो आप भी आए हमारे साथ बनाते हैं। ये आधा किलो प्रॉन्स लिए हैं मैंने, धो के साफ कर लिए मैंने, और तकरीबन 3 अदद टमाटर हैं मैश किए हुए, और 2 अदद प्याज हैं वो भी मैंने मैश कर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 2 चम्मच लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच ज़ीरा है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया, और गार्निश के लिए धनिया और मिर्चें जो हम बाद में यूज़ करेंगे। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1/2 कप है। इसमें मैं प्याज ब्राउन करूंगी, हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब आप देखें कि यह हल्का सा ब्राउन होने लगा है सही, तो इसमें फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और अदरक लहसुन का ये पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब प्याज और लहसुन में से खुशबू आने लगी है, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम प्रॉन्स डाल देंगे। प्रॉन्स डालने के बाद हम आंच जो है थोड़ी तेज़ कर देंगे, और तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे, क्योंकि इसका जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए जल्दी से। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा ये रबड़ी हो जाएगा, इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम इसी में भूनेंगे तेज़ आँच पर। अब देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है, हमने तेज़ आंच पे भूना है। अब जो मसाला था वो सारा इस पे डाल के इसको भूनेंगे। अच्छा, आंच हमने हल्की नहीं की, हम तेज़ आंच पे ही इसको बना रहे हैं। अब इस मसाले के साथ इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये अच्छी तरह से भुन गया, इसके मसाले की खुशबू आने लग गई है। अब इसमें हम अपना पेस्ट डाल देंगे टमाटरों का, और इसको भूनेंगे। हम तेज़ आंच पे ही भून रहे हैं इसको, हमने हल्की आंच बिल्कुल नहीं करनी है। हमने इसी मसाले में इसको भून के और बस इसको हल्का सा दम दे के छोड़ देना है। अब इसी में हम इसको भूनेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है ये भी खुश्क हो जाए। ये देखें जी, हमने इसको भून भून के इसका पानी ख़त्म कर दिया, ऑयल आ गया है, और ये अब इसमें हम धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे, और उसके साथ थोड़ा इसको भून के और हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये जी प्रॉन तैयार हैं, ज़बरदस्त किस्म के, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आए आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।